हूँ आर्यन और मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का वेलकम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता। रेड सॉस पास्ता बनाना वैसे तो बहुत इजी होता है, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, तो आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी फ्लेम को ऑन करके इसके ऊपर एक पानी से भरा हुआ पतीला रख देते हैं अपने पास्ता को बॉईल करने के लिए। पास्ता के लिए हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे एक कप रेगुलर पास्ता जो हम बनाने में यूज करते हैं वो, साथ में हम इसके डाल देंगे 3/4 टेबल स्पून सॉल्ट, और क्योंकि आज हम रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे 2 स्मॉल साइज के टमेटोस। टमेटोस डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम अपने पास्ता को बॉईल करेंगे 10 मिनट के लिए और 2 मिनट के बाद हम अपने टमाटर को बाहर निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारा टमाटर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट दिख रहा है, इसका ऊपर से थोड़ा सा छिलका उतर भी गया, तो बस इस स्टेज में हम अपने दोनों टमाटर को बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम अपने दोनों टमाटर को सिंपल जो हमारे टैप में वाटर आता है उससे धोने के बाद इसका छिलका उतार के इसकी रेड सॉस बना लेंगे। तो चलिए टमाटर ठंडा करके छिलका उतारने के बाद हम अपने टमाटर को मिक्सर के जार में डाल देंगे। मिक्सर के जार में टमाटर के साथ हम डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये सब चीजें डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 4 चम्मच पानी। पानी डालने के बाद बस हम अपने मिक्सर का लगा देंगे ढक्कन और इसको फाइन जो है वो पीस लेंगे। इस 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमने अपने पास्ता को चेक कर लिया है, हमारा पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ करके अपने पास्ता को रेड सॉस में पका लेंगे। तो लीजिए हमारा रेड सॉस पास्ता तैयार हो जाएगा। पास्ता बनाने के लिए हमने एक पैन को चढ़ा दिया है, इसमें हम लोग डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 अनियन एंड 1 कैप्सिकम विच आर फाइनली चॉप्ड। इनको डालने के बाद हम अच्छे से चला लेंगे इस बार। वेजिटेबल्स को मैं पास्ता में ज्यादा पकाना पसंद नहीं करता, मुझे थोड़ी सी क्रंची वेजिटेबल्स पसंद है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने फ्लेम को फुल हाई रख के अपने अनियन एंड कैप्सिकम को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाइए, उसके बाद हम इसमें अपनी रेड सॉस डाल देंगे। टेबल को 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे अपनी रेड सॉस। रेड सॉस डालने के बाद फिर से हम अपने वेजिटेबल्स और रेड सॉस को 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। रेड सॉस में अगर हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालते हैं तो ही हमारे पास्ता में अच्छा रेड कलर आएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरी रेड सॉस कितनी अच्छी लग रही है। बस अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद पास्ता डाल के फिर मसाले डाल देंगे। ना जाने कैमरा में इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंज आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे पता है कि इसका कलर बिल्कुल रेड है। हमने 1 से 1.5 मिनट तक पका लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे अपना बॉइल्ड पास्ता। पास्ता डालने के बाद फिर से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी जो रेड सॉस है वो हमारे पास्ता पे अच्छे से कोट हो जाए। इस समय हमें अपनी फ्लेम को थोड़ा सा लो रखना है ताकि अब हम अच्छा टाइम मिल जाए हमें को अपनी रेड सॉस को अपने पास्ता पे कोट करने से। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। मैं रेड सॉस के मसालों के पहले पास्ता डालना पसंद करता हूँ, आप चाहें तो पहले मसाले डालकर फिर पास्ता डालिए। बस ये लीजिए हमने पास्ता को अच्छे से मिला लिया, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर हमने अपनी रेड सॉस बनाते समय भी डाला था, इसलिए मैं थोड़ा सा कम यूज कर रहा हूँ।
रेड चिली पाउडर डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूंगा हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। गरम मसाला के बाद हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा एंड सॉल्ट टू टेस्ट। उन सभी को चीज़ों को भी डालने के बाद हम अपने पास्ता को अच्छे से बार मिला लेंगे। अब हम अपने पास्ता में डाल देंगे 1 टेबलस्पून टमेटो केचप। रेड सॉस पास्ता है तो टमेटो केचप तो हमें यूज करनी ही पड़ेगी। टमेटो केचप डालने के बाद फिर से अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम अपनी फ्लेम को कर देंगे ऑफ और लीजिए हमारा रेड सॉस पास्ता बन गया। हमारा गर्मा गर्म पास्ता रेडी है। हम इसको एक अपनी प्लेट में निकाल देते हैं। सारा का सारा पास्ता निकाल देते हैं। बस ये रहा हमारा रेड सॉस पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। रेड सॉस पास्ता बनाना आप लोग भी अपने घर पे ऐसा रेड सॉस पास्ता बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि मैं जे आपके लिए अब कौन सी रेसिपी लेकर आनी चाहिए। तक के लिए बाय। फिर किसी दिन मिलते हैं किसी और अच्छी तड़कती फड़कती डिश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।